चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें आने वाले वीडियोस के लिए, और इस पर आपको पूरा इंग्लिश मीडियम का कोर्स मिल जाएगा फुल HD में। कक्षा 9th इंग्लिश मैथमेटिक्स है, इसमें 6.3 के पहले वाले जो थ्योरम है और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज भी करवाएंगे। तो यहाँ पर आपके 7.6 देर का आपके जो आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो आपने अर्लियर क्लास में आपने पढ़ा था कि भाई इनका जो सम होता है अंदर वाले एंगल का सम, जो भी ट्राइंगल होता है उसके अंदर बनने वाले से ट्राइंगल देर का ABC इसके तीनों अंदर वाले एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। वी कैन प्रूव दिस स्टेटमेंट यूजिंग एग्जम्स एंड थ्योरम्स। आप चाहो तो ये रिलेटेड टू पैरेलल लाइन, आप इसको थ्योरम के द्वारा भी इसे प्रूव कर सकते हैं। अब कैसे प्रूव करना है, देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके हर साल एग्जाम में आता है, 5 नंबर का, 4 नंबर का या 6 नंबर का आता है क्वेश्चन, हर साल आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, या तो हाफ ईयरली में आएगा नहीं तो ईयरली में ज़रूर आता है आपके। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ए 180, मतलब अंदर बनने वाले तीनों एंगल का जो सम है वो कितना होता है 180, ये प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पर हम क्वेश्चन में गिवन क्या है, ट्राइंगल, और हमें करना है प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि अंदर वाले तीनों एंगल जो है ना वो जैसे मैं नाम दे दिया इसको X, Y एंड Z, या तो ये लिख दो Angle A + Angle B + Angle C लिखो तो भी चलेगा, और आप चाहो तो यहाँ पर X + Y + Z = कितना होता है आपके 180, ये करना है आपको, प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम क्या करेंगे BC लाइन के पैरेलल लाइन खींचेंगे जिसका नाम है आपके DE। तो लाइन खींच देते हैं पहले हम, तो ये लाइन खींच देते हैं यहाँ पर हम, ध्यान लगाना है ये लाइन बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर दे रखा है इसके बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो ये हो गई लाइन पैरेलल लाइन, बिल्कुल पैरेलल खींचनी है आपको यहाँ पर, तो ये हमने पैरेलल लाइन खींच दिया है जिसका नाम हमने रखा है यहाँ पर DE, तो मैं रख देता हूँ DE, ये नाम रख दिया। और यहाँ पर भी आपके एंगल बने हैं, एक एंगल आपका ये बना हुआ है, एक एंगल आपका ये बना हुआ है, जिसको यहाँ पर हम नाम दे सकते हैं WXW दे सकते हो, ST दे सकते हो, या फिर आप MN भी नाम लिख सकते हो, M&N ये भी आप लिख सकते हो, मर्जी है जी। स्टार्ट करते हैं हम प्रूफ से। अब अगर देखो ध्यान लगाना आप कि ये जो एंगल है पूरा कंप्लीट, ये वाला पूरा कितना होता है हमेशा 180 होता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं ये जो एंगल DAE जो है वो है आपके 180, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल भी कह सकते हो आप। इसके अंदर तीन नाम है, एक का नाम है M, देखो X है इसके अंदर, M है एंड N है, तीन नाम है इस एंगल के अंदर, तीन नाम आते हैं, ये वाला और ये वाला, इसके अंदर तीन नाम आते हैं और तीनों मैंने बता दी, इजिकल टू कितना हो गया आपके 180। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे आप स्ट्रेट लाइन एंगल भी कहते हैं, एक ही बात है। अब हम क्या करते हैं कि ये लाइन और ये लाइन आपके पैरेलल है, तो एक एंगल इधर का और एक इधर का क्या होता है, इक्वल होता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि M एंड Y ये क्या है आपके, इक्वल है। सेम इसी टाइप में N एंड C भी क्या है आपके, इक्वल है, तो हम यहाँ लिखते हैं N = Z, ये दोनों इक्वल है, कारण क्या हो जाएगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, क्योंकि लाइन्स आर पैरेलल, क्योंकि DE पैरेलल टू BC हमने किया था, कंस्ट्रक्शन किया था जिसमें हमने लाइन को पैरेलल किया था, तो पैरेलल लाइन में इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के जो वैल्यू है ना वो हम यहाँ पर पुट करेंगे,
तो यहाँ पर हम लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ एम एंड एन, तो वैल्यू पुट कर दो, एक्स का एक्स, एम का वैल्यू वाई के इक्वल है और एन का वैल्यू जेड के इक्वल है, इज इक्वल टू कितना हो गया आपके 180, लिख सकते हो हैंस प्रूव। ऐसे आपको प्रूव करना है, सिंपल है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इसके 3 नंबर के। आप चाहो तो यहाँ पर नंबर का यूज कर सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे भी आप लिख सकते हो चाहो तो, नहीं तो ऐसे यूज कर लो। अब है आपकी थ्योरम है 6.8 थ्योरम, इसमें इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल की कोई भी एक साइड, तीन साइड है ए बी बी सी ए सी, तीन साइड है दे रखी है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड। अब इसने कहा है कि आपको क्या करना है, किसी भी एक साइड को, ए साइड का है, प्रोड्यूस करना है, बढ़ाना है। तो मैं किसी एक लाइन को बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, तो ये लाइन है, इस लाइन को क्या करना है आपको, बढ़ाना है। तो आपने ऐसे लाइन को बढ़ा दिया, सिंपल है, लाइन को ऐसे बढ़ाना है आपको। अब ये कह रहा है कि देन एक्सटीरियर एंगल, इससे क्या बनेगा, एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा, मतलब ट्रायंगल के बाहर एक एंगल बनेगा, ये वाला। यहाँ पर नाम दे दो, यहाँ पर डी नाम दे सकते हो, और फॉर्म्ड इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ये कह रहा है कि इसका जो है ना, ये वाला जो है ना एक एंगल, इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, देखो इंटीरियर एंगल ये है इसका, इसके ऑपोजिट एंगल ये वाला है और एक ये वाला है, मतलब ए एंगल एंड बी एंगल। ये कह रहा है कि ये अकेला इन दो के बराबर है, ए और बी के बराबर है, ये करना है आपको, प्रूव करना है, सिंपल तरीका है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम, क्वेश्चन में गिवन ट्रायंगल है और हमें करना है यहाँ पर प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, जैसे नंबर दे दो आप यहाँ पर, ये वाला है, एक ये वाला है, इसका नाम देते हैं हम एक्स, ये है वाई, ये है जेड, और यहाँ पर हम दे देते हैं डब्लू, कुछ भी दे दो मर्जी है जो। तो हमें प्रूव क्या करना है कि एक्स प्लस वाई का जो सम है वो डब्लू के बराबर होता है, मतलब ट्राइंगल के अंदर बनने वाले टू एंगल का सम बाहर बने एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, ये प्रूव करना है आपको। तो सिंपल है, देखो इधर लिखना है आपको प्रूफ में, सबसे पहले क्या करना है, ध्यान लगाना है, ये वाला थ्योरम जो मैंने यहाँ पर यूज में किया था अभी, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना होता है, 180 होता है, क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, या फिर थ्योरम 6.7 भी आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर आपको ये हो गया, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पर ध्यान लगाना है इस लाइन पर, यहाँ देखो इस लाइन पर, ये स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है ये दोनों, जेड और डब्लू। तो हम यहाँ पर यही करेंगे हम कि डब्लू प्लस जेड का जो वैल्यू है वो कितना है, 180 है, क्यों है, लीनियर पेयर। अब इसको तो मानना है आपको इक्वेशन फर्स्ट और इसको मानना है इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों आपके इक्वल है, तो इधर वाले भी क्या रहेंगे, आपके इक्वल रहेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू डब्लू प्लस जेड, क्योंकि इधर इसका वैल्यू भी 180, इसका वैल्यू भी 180, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे दोनों ही। तो अब देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, जेड कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जेड टू जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा आपके x प्लस वाई इजिकल टू डब्लू। तो आपको ये दोनों ही नियमों को ध्यान में रखते हुए आपको एग्जाम्पल भी करने हैं और आपको क्वेश्चन भी करने हैं, अगली जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो करना है आपको, और आगे भी ध्यान रखना है, क्लास 9th में भी, क्लास 10th में भी आपके आगे आएगा, तो ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम दे रखा है और इसी डायग्राम को मैंने ऐसे टुकड़ों में बनाया, देखो ये रहा डायग्राम, डायग्राम पूरा लिया है, यही डायग्राम मैंने यहाँ पर लिया है और यही डायग्राम मैंने यहाँ पर लिया हुआ, ऐसे ही समझाने के लिए बताया हुआ, ऐसे लिया है मैंने। तो यहाँ पर देखिए आपके क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ये देखते हैं, आपके एग्जाम्पल दे रखा है, फिगर 6.37 ये बना हुआ है यहाँ पर, क्यू टी परपेंडिकुलर पी आर, यहाँ पर परपेंडिकुलर दे रखा है, और टी क्यू आर 40 डिग्री है, ये रहा 40 डिग्री,
और एस पी आर 30 डिग्री दे रखा है हमें, एक्स और वाई का वैल्यू क्या करना है आपको फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं, ये देख लीजिए मैं यहाँ पर ये ट्रायंगल है, इसको क्या करते हैं यहाँ पर ओ नाम दे देते हैं, तो यहाँ पर भी क्या नाम देते हैं, यहाँ पर ओ नाम दे देते हैं, इसका नाम है पी ओ टी। ये देख लीजिए यही ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, ट्रायंगल तो वही है सेम, तो मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल पी ओ टी ले रहा हूँ, और एक्स वाई फाइंड करना है तो पहले हम ट्रायंगल लेते हैं, प्रूफ में लिख देते हैं आप पहले जैसे गिवन गिवन लिख देते हैं जो दे रखा है क्वेश्चन में, क्यू टी परपेंडिकुलर ऑन पी आर एंगल टी क्यू आर इजिकल टू 40 डिग्री एंगल एस पी आर इजिकल टू 30 डिग्री, और हमें करना है फाइंड करना है एक्स एंड वाई फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रूफ से, सबसे पहले हम ये ट्रायंगल लेते हैं जिसका नाम है पी ओ टी, तो हम यहाँ पर लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल पी ओ टी, हम क्या करते हैं ये एंगल फाइंड करने की ट्राई करते हैं, ये एंगल देखो अभी मैंने नियम बताया था ये वाला 6.8 के अंदर बनने वाले दो ट्रायंगल का सम, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों का सम थर्ड एंगल मतलब बाहर बनने वाले एंगल के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एक तो 30 डिग्री एक तो है एंगल पी प्लस एंगल ओ इजिकल टू होता है आपके एंगल टी, जो बाहर वाला दे रखा है वो लेना है आपको, नहीं तो डायरेक्ट तो 90 डिग्री आप चौथ यहाँ पर लिख दो, जैसे उसका नाम दे सकते हो आप, जैसे मान लो मैंने इसका नाम दे दिया यहाँ पर एक्स वाई जेड, तो आ गया नाम, ऐसे लिख देता हूँ मैं ए लिख देता हूँ, इधर इधर बी लिख देता हूँ ऐसे, तो समझ लो कि यहाँ पर मुझे ए दिया हुआ, मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर ए प्लस 30 इजिकल टू 90, उधर ट्रांसफर कर दो तो ए का वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस 30 इजिकल टू 60 डिग्री, ये हो गए। अब हम क्या करते हैं ये एंगल बी वाला एंगल भी फाइंड कर लेते हैं, तो आपको पता ही है ए और बी दोनों ही क्या है आपके इक्वल है, अब दोनों ही क्यों इक्वल है, ये वाला और ये वाला लाइन एक इधर है एक इधर क्रॉस है एक इधर, इसे कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ए और बी इक्वल है कारण हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इसका मतलब ए अगर आपका 60 है तो बी भी कितना हो जाएगा आपके 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी हो गया कंप्लीट। अब आपके अब आपको ये वाई फाइंड करना है सिंपल, तो हम क्या करेंगे ये ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल यहाँ पर वो लिखा हुआ है ट्रायंगल लेंगे और वाई फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल इसका नाम है क्यू ओ एस, जिसमें आपके एक तो y है एक b है और एक 40 डिग्री है, तीनों का जो सम है वो कितना हो रहा है आपके 180, क्यों हो रहा है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, या आप एक थ्योरम लिख सकते हो जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था आपको, तो y का y और b हमने यहाँ पर फाइंड कर रखा है 60 प्लस 40 इजिकल टू 180, अब उधर ट्रांसफर कर देंगे तो y का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपके 180 माइनस 100, तो y का वैल्यू आ गया है आपके कितना 80 डिग्री, तो y भी आपके आ चुका है 80 डिग्री। अब हम लेते हैं ये ट्रायंगल और सेम नियम अंदर वाले टू एंगल का सम थर्ड एंगल के बाहर बने एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, तो हम यहाँ लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल पी एस आर, तो इसमें आपके x है प्लस 30 डिग्री है इजिकल टू y, क्यों हो रहा है आपके एक्सटीरियर एंगल, जो मैंने अभी बताया था आपको थ्योरम 6.8 में बताया था x प्लस, अब देखो x का वैल्यू तो हमें पता नहीं है फाइंड करना है, और y का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर रखा है जो है आपके 90 डिग्री 80 डिग्री, तो ट्रांसफर कर देंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 80 माइनस 30 इजिकल टू हो जाएगा आपके 50 डिग्री, ऐसे हम सारे एंगल फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है आपके एग्जांपल नंबर 8 दे रखा है और यहाँ पर डायग्राम दे रखा है और यहाँ लिखा हुआ है कि 6.38 और ए बी और ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को प्रोड्यूस करना है आपको, ई और डी रेस्पेक्टली पॉइंट दे रखे हैं आपके, ये रहा ई प्रोड्यूस किया हुआ लाइन को ए सी को और ए बी को, फिर यहाँ पर हमने एक लाइन खींचा बी ओ और सी ओ जो क्या कर रहे हैं एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं,
ये लिखा हुआ है बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब ये और ये एंगल सेम है। जैसे मैंने नाम दे दिया यहाँ पर, ये एंगल एम तो ये भी एंगल एम, ये एंगल एन तो ये भी एंगल एन, दोनों बराबर है, इक्वल है जो क्वेश्चन में दे रखा है। और ये करना है आपको, प्रूफ करना है, तो प्रूफ में हम ये लिख देंगे। सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर गिवन। गिवन क्या है, बी ओ एंड सी ओ आर बाइसेक्टर्स ऑफ, आगे लिख सकते हो आप ये वाली लाइन, सी बी ई एंड बी सी डी, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, तो प्रूफ में ये लिख देना, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये करते हैं, ये एंगल आपके इक्वल है जो, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले सिंपल देखो, इधर आपको प्रूव करने के लिए सबसे पहले बी ओ सी दे रखा है, तो हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल बी ओ सी का मतलब हो गया ये वाला, और ये दोनों एंगल जिसका नाम है एम एंड एन, तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। क्यों होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के कारण होता है। अब मुझे केवल बी ओ सी चाहिए, तो बाकी को उधर ट्रांसफ़र कर दो, ये दोनों हमें नहीं चाहिए तो उधर भेज दो। तो एंगल बी ओ सी इक्वल हो जाएगा 180 माइनस एंगल एम माइनस एंगल एन, ये हो गया आपके इक्वेशन फर्स्ट। अब ये कि ये सेम आपको इधर भी लाना है, ऐसे ही आपके बी ए सी मतलब ये इधर वाला एंगल, ये वाला हो गया आपके, इसके सामने भी हमें ऐसा ही चीज लेके आना। अब उससे पहले हम कुछ कुछ पॉइंट लेंगे हम, अब कैसे लेना है क्या करना है थोड़ा ध्यान लगाना। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, सबसे पहले हम लेते हैं तीनों एंगल का सम लेते हैं यहाँ पर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जो वैल्यू है वो कितना होता है, 180 होता है। क्यों होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक्स को हम लिख सकते हैं बी ए सी, एक्स को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी ए सी लिखते हैं। अब बाकी को हम क्या उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपके कितना, आप चाहो तो 180 उधर पे भेज दो या फिर बी ए सी को उधर ट्रांसफ़र कर सकते हो, y प्लस जेड इजिकल टू 180। लेकिन देखो बी ए सी माइनस में है, उधर की ओर है, उधर की साइड है, तो हम उधर भेजेंगे बी ए सी। तो यहाँ क्या आएगा आपके, y प्लस जेड इजिकल टू 180 माइनस एंगल बी ए सी। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान लगाए, यहाँ पर दो का भाग दिया हुआ और यहाँ पर भी देखो आधा है 80 का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम डिवाइडेड बाई टू, सब में दो का भाग दो। हम क्या करेंगे, y में भी दो का भाग देंगे, z में भी दो का भाग देंगे, और 180 में भी दो का भाग देंगे, और एंगल बी ए सी के अंदर भी हम दो का भाग देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे y बाई टू, यहाँ पर हम लिखेंगे z बाई टू, यहाँ पर लिखेंगे 90, और ये हो जाएगा 1/2 एंगल बी ए सी। ऐसे इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, मतलब हमने बी ओ सी का वैल्यू मतलब इधर वाला वैल्यू भी निकाल लिया। बी ओ सी का मतलब क्या होता है, ध्यान से देख लेना, बी ओ सी का मतलब आ चुका है, इसका मतलब आपके आ चुका इधर वाला, इधर वाला भी आ चुका है। देखो ये रहा, अब देखो आपके अगर आपको इसको बी ओ सी को इसके बराबर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान लगाना, आपको इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इक्वल करना पड़ेगा, तब होगा। अब ये कैसे होगा, तो वो हम क्या करते हैं, लाइनों पर देखना पड़ेगा आपको, ये लाइन और ये लाइन। तो अभी हमने आधा कर लिया है, अब थोड़ा ध्यान देना है। अब ये एम एम वाई ये दे रखा आपके, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ एम प्लस वाई इजिकल टू कितना होता है आपके, 180 होता है, ये तो सबको पता ही है, एम एम वाई का मतलब क्या होता है आपके, 180। ऐसे ही आपके इधर है एन एन जेड, तो हम यहाँ लिखते हैं एन प्लस जेड का वैल्यू भी कितना होता है आपके, 180 होता है। तो ये हो गई आपके इक्वेशन थर्ड और ये हो गई आपके इक्वेशन फोर्थ। तो हम यहाँ लिखते हैं, करते हैं इनको जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो क्या होगा आपके, दो बार तो होगा एम, दो बार होगा एन, एक वाई भी आएगा और जेड भी आएगा और 360 भी आएगा। अब अगर मैं सबके अंदर दो का भाग दे दूं तो क्या होगा, यहाँ लिख सकते हो आप डिवाइडेड बाई टू, सब में दो का भाग दूंगा तो क्या होगा, एम प्लस एन प्लस
वाई बाई टू प्लस जेड बाई टू इजिकल टू 180। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा वाई प्लस जेड जेड बाई टू इजिकल टू 180 माइनस एम माइनस एन। इसका देखो ये वाला देखो इक्वल हो गया आपके, ये वाला और वो जो ऊपर दे रखा है ये वाला, दोनों ही क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए। तो ये हो गई आपके इक्वेशन थर्ड। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों से कह सकते हैं, ये वाली लाइन लिख सकते हो आप, प्रूव दैट बीओसी इसके बराबर है और ये वाला वाई बाई टू जेड बाई टू के बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो चारों सब बराबर हो गए। तो आप बीओसी के सामने ये वाला वैल्यू लिख देना, आपका प्रूव हो गया, ऐसे प्रूव करना है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर करें, धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।